हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो अपलोड किया मैंने, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसमें मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊँगा। बट कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जीएसटी शायद उनके सिलेबस में नहीं है, तो चलिए एक बार इसकी क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद डिस्कस करेंगे जीएसटी के ऊपर। आज का जो सेशन है, मैं आपको एमसीक्यूज लेके आया हूँ आपके लिए। जितना आपने पढ़ा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, आई होप आपको ये आते होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकें, फिर आप इसको खुद सॉल्व करिए। बाद में आके जो मैंने इसमें सॉल्व करवाया वीडियो में, इससे आके टैली करिए और देखिए आपका कितना स्कोर आएगा। वो कमेंट सेक्शन में बताने की ज़रूरत नहीं है स्कोर। हाँ, कोई डाउट होगा किसी एमसीक्यू को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा क्या गया है उसका मतलब समझो। हमें यह पूछा गया है इनमें से, इन चारों में से कौन सी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं जिसमें मनी या मनी वर्थ का एक्सचेंज होता है। कोई भी हमने पैसा लिया या दिया, या हमने गुड्स खरीदी, चाहे कैश में खरीदी चाहे क्रेडिट में खरीदी। क्रेडिट में भी खरीदेंगे क्योंकि उन गुड्स की एक वैल्यू है, तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। किसी ज़रूरी है कि कैश इन्वॉल्व हो। किसी चीज़ की अगर कोई वैल्यू है, अगर हमने पे नहीं की है या हमें अभी वैल्यू रिसीव नहीं हुई है, तब भी वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि वो चीज़ की एक वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जान लेते हैं कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्स्ट इज परचेज ऑन क्रेडिट। अगर हम कोई गुड्स क्रेडिट में खरीदें, दोस्तों क्रेडिट में हमने गुड्स खरीदी, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बेशक हमने क्रेडिट मतलब उधार में खरीदना, बेशक हमने इसका पैसा नहीं दिया, लेकिन जो गुड्स खरीद रही है उसकी एक मनी वैल्यू है। तो जिस चीज़ की मनी वैल्यू है वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आती है। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये आंसर तो नहीं है। परचेज फॉर कैश, तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमने कैश देके कोई चीज़ खरीदी, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये भी इसका आंसर नहीं है। ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस से हमने पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि बिजनेस से पैसा हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, यानी बिजनेस में आपका जो पैसा है वो कम हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई, अब दोस्तों एम्प्लॉई स्ट्राइक्स करते हैं, बड़ा कॉमन सा फीचर, हर कंपनी में स्ट्राइक्स होती हैं, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि इसकी मनी वर्थ नहीं है, इसकी मनी वैल्यू नहीं है। स्ट्राइक हो गई, इसकी क्या मनी वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम मैं सर्कल कर रहा हूँ कि राइट आंसर इज डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज अराइजेज बिकॉज ऑफ। एक लाइबिलिटी आपको पता ही है किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशंस टू पे सम टाइम इन फ्यूचर, यानी आपके ऊपर जो कर्ज है, आपके ऊपर जो देनदारी है, जो आपने किसी का पैसा देना है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, लाइबिलिटी क्यों अराइज होती है। फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन, जब हम कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब हमने किसी से कैश में चीज़ खरीदी, तब तो वो लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो उधार नहीं है, हमने तो कैश दे के खरीदी, तो ये तो आंसर इसका नहीं है। सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट दोस्तों क्या होता है, उधार। तो जब हम कोई चीज़ उधार पे लेते या फिर देते हैं, तब हमारी एक जो है लाइबिलिटी अराइज होती है, हमारे लिए या जिसको हमने बेचा उसके लिए। तो यहाँ पे कहता है लाइबिलिटी अराइज हुई क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब हमने कोई चीज़ उधार में खरीदी, तो जब भी कोई चीज़ हम उधार में खरीदेंगे या किसी से उधार लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कितना, जितना हमने उधार लिया या जितने की उधार में हमने गुड्स खरीदी। तो लाइबिलिटी क्यों अराइज होती है, बिकॉज ऑफ किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सी बोथ ए एंड बी, दोनों तो हो नहीं सकते, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट दोस्तों, परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। हम परचेज जो वर्ड यूज़ करते हैं, आपने जेनेटिक्स पढ़ी, उसमें मैंने बड़ी बार यूज़ किया है, जो परचेज हम वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए करते हैं। ए स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए हम जो स्टेशनरी खरीद रहे हैं उसके लिए करते हैं परचेज वर्ड यूज़। बी एसेट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए कोई एसेट, फॉर एग्जांपल कोई मशीन वगैरह हमने खरीदी उसके लिए यूज़ करते हैं।
गुड्स फॉर रीसेल, वो गुड्स जो हमने दोबारा बेचनी है, रीसेल मतलब दोबारा से बेचना, खरीदना और फिर आगे दोबारा किसी और को बेचना, उसको रीसेल कहते हैं। तो गुड्स फॉर रीसेल उसके लिए वर्ड परचेज करते हैं, या ऑल ऑफ अबव। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स में कि जो वर्ड परचेज है ये जनरली हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं या जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि अगर मान लो मैं एक फैक्ट्री खरीद रहा हूँ, वो भी मेरे लिए एक तरह की परचेज ही है, बट जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहती है कि अकाउंटिंग में हम परचेज सिर्फ उस चीज़ के लिए लिखते हैं जो चीज़ हमने खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए, हमने मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से खरीदी और क्या करना, चीज़ को हमें बेचना है आगे कस्टमर को, उसके लिए वर्ड परचेज यूज़ किया जाता है। तो स्टेशनरी जो हमने यूज़ किया ऑफिस के लिए, इसको हमें दोबारा बेचना तो नहीं है, ये भी नहीं है। एसेट हमने जो खरीदा है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, इसको तो हमें यूज़ करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी नहीं है, हमें बेचनी तो नहीं है मशीनरी। गुड्स फॉर रीसेल, मैंने कहा था गुड्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, तो गुड्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, और वो गुड्स किसके लिए होती हैं कि आगे हमें कस्टमर को बेचनी है। तो वर्ड परचेज किसके लिए यूज़ होता है, गुड्स फॉर रीसेल। सो द राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज, इनमें से, इन सारी ट्रांजेक्शन से किस कारण से जो इक्विटी या कैपिटल, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये आपने पढ़ा था, तो कहता है इनमें से किस कारण से जो कैपिटल या इक्विटी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन इज एक्सपेंसेस, दोस्तों जब क्या खर्चा होता है तब क्या हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि मान लो मैंने 10,000 से कोई बिजनेस शुरू किया, जब मैं खर्चा करूंगा तो मेरा वो जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने खर्चा उसी कैपिटल में से करना है। तो एक्सपेंस से कैपिटल इंक्रीज नहीं होती, उल्टा डिक्रीज हो जाती है। ड्राइंग से, ड्राइंग्स भी वही है दोस्तों, 10,000 पे मैंने बिजनेस शुरू करने में लगाया, 2,000 मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो मेरी कैपिटल क्या रह गई, 8,000। क्या हुआ, फाइनली कैपिटल मेरी अगेन डिक्रीज हुई, तो इससे भी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी। दोस्तों सिंपल सी बात है, 10,000 रुपया मैंने लगाया किसी बिजनेस में और 1,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, कुल मिला के मेरे पास कितना हो गया, 10,000 जो मैंने पहले से लगा रखा था, 1,000 मेरा प्रॉफिट भी आ गया, कुल मिला के मेरी कैपिटल 11,000 हो गई। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, वो हो गया प्रॉफिट या गेन या इनकम्स, मतलब जो आपके पास आपकी अर्निंग्स पैसा आता है किसी भी फॉर्म में, इनकम में, या कोई आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो, किसी भी तरह से आपकी कोई इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, और इनका उलट लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, ड्राइंग्स हुई, ये आपकी कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा था कि कैपिटल कैसे डिक्रीज होगी, तो राइट आंसर इज प्रॉफिट, लॉस से भी कैपिटल आपकी डिक्रीज ही होगी। 10,000 लगाया था, 2,000 लॉस हो गया, कितनी रह गई कैपिटल, 8,000। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज, कहता है अगर बिजनेस कोई एक्सपेंस पे करता है तो उससे हमारा क्या डिक्रीज होता है, कैश डिक्रीज होता है या कैपिटल डिक्रीज होती है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, जब हम कोई एक्सपेंस करेंगे ऑब्वियसली हमारी कैश डिक्रीज होगी, क्योंकि मान लो मेरे पास 50,000 रुपये था, 10,000 मैंने किसी की सैलरी दे दी, तो कहाँ से दूंगा, वो मैं अपनी कैश से ही दूंगा, अल्टीमेटली मेरी कैश जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो राइट आंसर ये कैश दिख रहा है, लेकिन कैपिटल अगर मैं एक्सपेंस पे करूँगा क्या मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी, एक्सपेंस पेड बाई बिजनेस डिक्रीज, क्या कैश डिक्रीज होगी अगर हम एक्सपेंस पे करेंगे, हाँ कैश डिक्रीज होगी, अभी हमने बताया। कैपिटल डिक्रीज होगी, बिल्कुल कैपिटल भी डिक्रीज होगी, अभी मैंने इससे ऊपर वाले में बताया था कि जब हमारी कैपिटल कब कब डिक्रीज होती है, जब हम एक्सपेंस पे करें, जब हमें लॉस हो, जब हम ड्राइंग्स करें, तब तब हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो कैश भी डिक्रीज होती है, कैपिटल भी डिक्रीज होती है, सी बोथ ए एंड बी। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े ट्रिकी होते हैं, आपको लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, कई बार ऐसा होता है कि चारों के चारों सही होते हैं, लेकिन आपने ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर आप, मैं बोलूं, अगर सपोज यहाँ कैपिटल नहीं होती तो कैश भी ठीक था कि हाँ ठीक है, हमारे जब भी कोई एक्सपेंस पे करते हैं हमारी कैश कम हो जाती है, कैपिटल अगर वर्ड कैपिटल है तो ये भी तो कम होती है, तो यहाँ पे आंसर इज
बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही होते हैं इसमें। आपकी एक तरफ से कैश कम हो गई, दूसरी तरफ से एक्सपेंस होने की वजह से आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होती है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज सेल्स टू मोहसिन शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने मोहसिन को सेल की तो हम किसको डेबिट करेंगे? चलिए दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाता हूँ। दोस्तों आई होप जेनरेटी सबको याद होंगी। एक इसकी मैं अगर जेनरेटी बनाऊं, सोल्ड गुड्स टू मोहसिन, मैंने मोहसिन को 5,000 की गुड्स बेची। तो दोस्तों देखो, हमारी जो सेल होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। मैं किसी को चीज़ बेच रहा हूँ कैश के बदले में, वो कैश सेल हो गई, यानी कैश में चीज़ बेची। और कई बार हम ऐसा भी करते हैं, कई बार उधार में भी बेचते हैं। तो जब मैं किसी को उधार में कोई चीज़ बेचूंगा वो मेरी क्रेडिट सेल है। अब अगर कोई एक जर्नल एंट्री आ गई और आपको उसमें नहीं दिखाया गया कि वो कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ कैश में बेची है या क्रेडिट में? तो उसकी एक निशानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि हम कैश के बदले में चीज़ बेच रहे हैं, यानी हम कैश लेके चीज़ दे रहे हैं। लेकिन ऊपर अगर आप पढ़ोगे वहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू मोहसिन। फ़र्क सिर्फ इन दोनों में कितना है, एक में हमने नाम यूज़ किया है, एक में हमने नाम की जगह कैश वर्ड यूज़ किया है। तो यही दो वर्ड्स इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी सेल कैश में है, कौन सी क्रेडिट। ये कैश में है, और जब मान लो हम किसी को कोई उधार में चीज़ देते हैं तो वर्ड कैश की जगह उसका नाम लिखा जाता है। ये याद रखना है, ये सेल में भी सेम है, परचेज में भी। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब कैश में परचेज, परचेज गुड फ्रॉम सादिक मतलब क्रेडिट में। तो जब भी किसी सेल या परचेज में कैश की जगह अगर नाम लिखा आ जाए तो इट मीन्स वो क्रेडिट में है, चाहे वो सेल की एंट्री है चाहे परचेज की। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने मोहसिन को सेल की तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? चलिए दोस्तों जेनरेटी के हिसाब से देखते हैं, मोहसिन आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और आपने जो गुड्स बेची ये कौन सा अकाउंट है, रियल। जिन्होंने जेनरेटिस पढ़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से थर्ड वीडियो में था या सेकंड वीडियो में था, जिन्होंने पढ़ी उनको तो समझ आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा, वो ज़रूर देखें, तब उनको ये समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ समझा चुका हूँ। तो जब मैं कोई चीज़ उधार में बेच रहा हूँ तो मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि मैंने तो उधार में बेची है, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन इसका रूल नहीं लगेगा। पर्सनल का रूल क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट किसी नाम की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, जैसे मोहसिन एक नाम है। तो पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। अब मैंने मोहसिन को गुड्स बेची, रिसीवर कौन है, मोहसिन, डेबिट द रिसीवर। मोहसिन डेबिट, एक रूल पर्सनल का, एक रियल का। रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, वो तो नहीं लगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तुमसे क्या गई, गुड्स गई, हम उसको क्या लिखते हैं, सेल। ये मैंने पूरी जेनरेटिव बना के दिखाई है, बट क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है सेल्स टू मोहसिन शुड बी डेबिटेड टू। अगर हम मोहसिन को सेल करते हैं क्रेडिट में सेल, तो हम किसको डेबिट करेंगे, किसको डेबिट कर रहे हैं हम दोस्तों, मोहसिन को। तो राइट आंसर इज मोहसिन अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे अगर हम ये कैश में सेल करें। दोस्तों अगर यही सेल कैश में होती तो हम लिखते मोहसिन की जगह कैश टू सेल्स, तब ये लिखते, तब कैश अकाउंट को डेबिट करते। लेकिन अगर वो कैश में होती, क्योंकि ये क्रेडिट में है, सिंपल लिखा है सेल्स टू मोहसिन, इट मीन्स ये क्रेडिट सेल है, नाम है, तो क्रेडिट सेल में हम जिसको बेच रहे हैं उसको डेबिट करते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर आपका मोहसिन अकाउंट। नेक्स्ट इज फर्स्टली ट्रांजेक्शन इज रिटन इन। ये बेसिक्स जो मैंने वेरी फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाया था उसमें था कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन कहाँ लिखते हैं। आपको पता होगा, याद होगा अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैंने बताई थी, उसमें हमने शुरू किया था आइडेंटिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन के बाद था मेजरिंग, और तीसरा क्या था, रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी बताई थी। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है कि जो पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई सेल की या परचेज की या इनकम की एक्सपेंस की, वो पहले कहाँ लिखी जाती है, इज़ इट लेजर, नो, लेजर पहला नहीं है। इज़ इट बी अकाउंट,
लेजर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ अकाउंट, तो ये भी नहीं है. इज इट जर्नल और इज इट ट्रायल बैलेंस. आपको याद होगा सबसे पहले जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है, जर्नल. अकाउंटिंग जो प्रोसेस है दोस्तों उसमें सबसे पहले आपको फिर से बता देता हूँ, जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद बनती है लेजर, क्योंकि जर्नल की हेल्प से ही हम लेजर बना सकते हैं. लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, लेजर की मदद से ही हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बनता है लास्ट में बैलेंस शीट. ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब इसको बीच में से कहीं स्किप करोगे बाकी चीज़ें नहीं बनेंगी. तो जर्नल से लेजर्स, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस अगर आप नाम भी बनाओ, ये मैंने कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ऑप्शनल, उसमें एमसीक्यूज में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि जो ट्रायल बैलेंस है हमारे लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल है, इस तरह से मैंने चार आपको दी थी ऑप्शंस. तो जो ट्रायल बैलेंस है ये ऑप्शनल है होता है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती. नाम भी बनाए तो भी चलेगा, हमें मेन लेजर्स चाहिए होती है, लेजर्स के जो बैलेंसेज हैं वो चाहिए होती हैं आगे ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने के लिए. तो लेजर के जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में इसलिए डाले जाते हैं कि सिर्फ एक्यूरेसी को चेक कर सकेंगे. सो इट्स ऑप्शनल, ऐसा नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारे आगे अकाउंट नहीं बनेंगे, आगे बन सकते हैं इसके बिना भी. सो इट्स ऑप्शनल. ये मुझे बड़े क्वेरीज में क्वेश्चंस आए थे. तो चलिए दोस्तों, ये पूरी एक प्रोसेस है, इस तरह से ये फॉलो होती है. तो हमारा जो आंसर है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल. सेकंड इज लेजर. ये और भी इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जो कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी सेकेंड स्टेज क्या है, तो आप सेकंड स्टेज क्या बोलोगे, लेजर, ऐसे ऑप्शन होंगे. थर्ड स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज क्या है, फिफ्थ स्टेज क्या है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है. चलिए दोस्तों, आई होप ये समझ आ गया. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, कहता जब हमसे गुड्स लॉस बाय फायर क्या हो गया, आग लगी, आपका सामान गुड्स स्टॉक जल गया, नुकसान हो गया. तो कहता है जब आपका स्टॉक जल गया, नुकसान हो गया, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, लॉस बाय फायर को करेंगे, सेल्स को करेंगे, कैपिटल को करेंगे, या परचेज को करेंगे. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों. देखो मैंने क्या बताया था कि अकाउंट्स में, पहले भी बता चुका हूँ कि कोई चीज़ हमें माइनस करनी है या डिडक्ट करनी है उसकी एक रिवर्स एंट्री होती है. रिवर्स एंट्री का मतलब होता है अगर वो पहले डेबिट की गई है, यानी डेबिट साइड में लिखी गई है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर वो पहले क्रेडिट साइड में लिखी गई है तो डेबिट साइड में लिखना है. क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैंने गुड्स खरीदी, गुड्स परचेस्ड, मैंने 5,000 की गुड्स खरीदी कैश में, तो मेरी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरी जर्नल एंट्री है. अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने 500 रुपये की गुड्स खरीदी हैं, लेकिन सपोज करो इसमें से 100 रुपये की चीज़ मैंने गुड्स वापस कर दी, तो मेरी परचेज क्या हो जाएगी, 100 रुपये कम हो जाएगी ना, मतलब कितनी रह जाएगी, 400, मतलब मुझे 100 रुपये माइनस करना है ना. अभी क्या बताया मैंने कि जब हमें कोई चीज़ माइनस करनी है, तो अगर हमें वो चीज़ जिसको हम माइनस करने जा रहे हैं, अगर वो पहले डेबिट में लिखी है तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में. तो यहाँ पे जब परचेज यहाँ क्या है, डेबिट, अब मुझे 100 रुपये माइनस करना, तो परचेज को मैं क्या करूँगा, क्रेडिट. इन शॉर्ट, जब भी हमें कोई चीज़ माइनस करनी है उसका रिवर्स करना है. और अगर हम गुड्स की बात करें, परचेज हमेशा कहाँ आती है, डेबिट में, लेकिन गुड्स हमसे जब भी जाएंगी, सेल्स को छोड़कर, क्योंकि सेल तो हमारी इनकम है, सेल्स को छोड़कर जब भी हमसे गुड्स जाएंगी, जैसे हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री, यहाँ ऊपर नाम आ जाएगा जिसको हम चीज़ वापस कर रहे हैं, मान लो शाम को वापस कर रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा परचेज रिटर्न. तो आप देखो यहाँ पे हमने परचेज को क्या किया, डेबिट, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रेडिट. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ हम वापस कर रहे हैं. और मैंने कहा कि अकाउंट्स में कोई भी चीज़ माइनस करनी है तो आपको रिवर्स एंट्री करनी है, डेबिट का क्या उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट. इसी तरह हमसे जब भी गुड्स जाएंगी, चाहे हम किसी को गुड्स वापस कर रहे हैं बिजनेस से, याद रखना आपको, बिजनेस से जब भी गुड्स जाएंगी, चाहे हम किसी को गुड्स वापस कर रहे हैं, चाहे हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, नुकसान हो गया, चाहे हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, तो जब भी हमसे गुड्स जाएंगी, हमेशा गुड्स को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है. अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं, सपोज करो इस ट्रांजैक्शन की, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर,
लॉस दोस्तों हमारा कौन सा अकाउंट में आता है, आपको पता है ना, नॉमिनल अकाउंट, जेनेटिक्स में पढ़ाया था। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कि जितने भी नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और दूसरा क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यही रूल था दोस्तों। तो यहाँ पे लॉस तो लॉस ही है, मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस, अगर मैं इसकी गारंटी बनाऊं तो मेरे एक्सपेंस का लॉस का नाम क्या है, लॉस बाय फायर, डेबिट। अब मेरा जो लॉस हुआ वो किस में हुआ, मतलब गुड्स में हुआ ना, गुड्स मतलब परचेज, गुड्स को ही परचेज लिखते हैं। इसका मतलब मेरी गुड्स लॉस हुई, कम हुई, जितनी गुड्स जल गई मेरी। तो मैंने कहा जब भी कोई चीज़ कम होगी आपको रिवर्स एंट्री करनी है, परचेज नॉर्मली क्या होती है, डेबिट, तो यहाँ क्या कर लोगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हमसे गुड्स गई या हमसे गुड्स का हमारा लॉस हुआ, तो हमारी गुड्स कम हो गई। हमने गुड्स खरीदी थी, मान लो डेबिट किया था 1000, 200 रुपये की गुड्स जल गई, तो हम परचेज को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो कहता है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिट टू लॉस बाय फायर, नहीं, हमने किसको क्रेडिट किया, परचेज को, सेल्स नहीं, कैपिटल नहीं, तो किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज पुटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज रिटन बाय। दोस्तों अकाउंट जब आप बनाते हो, मतलब लेजर की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेटा को याद होगा, टी फॉर्म में बनाते थे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इस तरह से आप लिखते थे सारी चीज़ें। इस तरफ क्या लिखते थे आप, टू, क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, बाय। ये मैंने बताया था जब मैंने लेजर्स करवाई थी, पिछला वीडियो देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। पुटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, बींग लिखते हैं, नहीं, बींग हम लिखते हैं जेनेटिव बनाते वक्त। टू लिखते हैं, नहीं, टू हम डेबिट साइड में लिखते हैं, इसने पूछा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ये वाली है। बाय लिखते हैं, यस बाय लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर है, फ्रॉम नहीं लिखते, तो राइट आंसर इज बाय। नेक्स्ट इज रेंट पेड इज रिलेटेड टू, हमने रेंट पे किया, तो ये किस अकाउंट से रिलेटेड है। दोस्तों रेंट पे करना मैंने कहा था एक्सपेंस होता है। पर्सनल अकाउंट किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, किसी के नाम की। जब रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट तो कोई नाम नहीं है, ये तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की के लिए किसका रूल लगता है, नॉमिनल का। तो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, रियल अकाउंट भी नहीं आएगा, नॉमिनल अकाउंट। रेंट पे किया क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा, हम क्योंकि रेंट की बात कर रहे हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट, इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ऑलवर्ब नहीं है। तो दोस्तों ये आपके 10 एमसीक्यूज थे, आई होप सबने सही किए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा कैश बुक के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास अगर बुक्स हैं तो कैश बुक आप पहले से पढ़ लो, उसको देख लो उसमें क्या क्या है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ मुझे आप फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, और कुछ दिनों तक आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिसमें आप क्वेरीज़ कोई नहीं पूछेगा उसमें, सिर्फ क्वेरीज़ के अलावा कोई चीज़, क्योंकि क्वेरीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो, क्वेरीज कोई भी नहीं पूछेगा उसमें, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ ही जो मेरा खुद का चैनल है किरण्स कॉमर्स जोन, यूट्यूब पे सर्च करो किरण्स कॉमर्स जोन, पूरा लिखोगे आप तो उसमें आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जिसमें मैं अकेडमी करा रहा हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें वो अभी हाल ही में मैंने शुरू किया चैनल, तो उसमें जाके आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी मैं 11th-12th का अकेडमी और उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।